सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.3 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो 7.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी क्रम में 7.3 के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 7.3 शुरू करने से पहले उसमें जो सूत्र हमारे प्रयोग होंगे, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बार बार बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग ये जान जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड पर लिखा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज से आप भलीभांति परिचित हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, अगला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कोई पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया कोई ना कोई स्थान होगा, जो स्थान घेरेगा वही उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुज भी कोई ना कोई स्थान घेरेगा, तो जो स्थान घेरेगा वही त्रिभुज का क्या कहलाएगा भैया, क्षेत्रफल कहलाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ निर्देशांक ज्यामिति जो हम लोग का वो 2D है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तीन बिंदु होंगे, आसनरेख होंगे। अब उस तीनों बिंदुओं के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम चलते हैं सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है कि हमने मान लिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा ये त्रिभुज ABC कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि इस त्रिभुज ABC के जो निर्देशांक तीनों बिंदुओं के x1 y1 है, B का कितना है x2 y2 है, फिर C का कितना है x3 y3 है। इसके बाद ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, और ये क्या हो गया भैया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या करना, इसी त्रिभुज ABC का हमें क्या निकालना भैया, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सूत्र होगा तब निकाल पाएंगे। तो आइए सूत्र यहाँ पर हम बोर्ड पर लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2, इसके बाद में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ा ब्रेकेट क्लोज कर दिया गया। अब इस सूत्र को थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, याद करने की भी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपको आइडिया देते हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइडिया क्या है कि जहाँ पर ख़त्म हो रहा है अगला वहीं पर शुरू हो रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है अगला वहीं पर शुरू हो रहा है, जहाँ पर शुरू हुआ था वहीं पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और सबके बाहर एकांतर क्रम से सिक्योरिटी के तौर पर x1 x2 x3 बैठे हुए हैं, मतलब गुणा के रूप में। ये तो हो गया याद करने का थोड़ा सा तरीका। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एकाध सवाल आपके चतुर्भुज के बारे में भी आएगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलते हैं इसके बारे में। पहले हम आप लोगों को सूत्र बता देते हैं। तो चतुर्भुज, ठीक है ना, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं भैया, चतुर्भुज कहते हैं। अब जिस प्रकार से त्रिभुज के निर्देशांक थे बिंदुओं के, उसी प्रकार चतुर्भुज के भी शीर्षों के निर्देशांक होंगे। तो पहला ABCD, हालांकि आप कहीं भी किसी को मान सकते हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध आपके पास नहीं है। x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3, d का x4 y4 है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक क्या करिए, या तो इसको मिला दीजिए इससे, या तो इसको इससे मिला दीजिए। अब क्या होगा, अगर हमारे पास A को C से मिला दे तो विकर्ण होगा, और विकर्ण क्या करेगा, उस चतुर्भुज को क्या करेगा भैया, त्रिभुज के दो भागों में बांट देगा। अगर हम इतना इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से हमें पूरा एरिया मिलेगा, और जो पूरा एरिया होगा भैया वो किसका होगा, चतुर्भुज का होगा, होगा ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि
अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ऐड कर दे तो इस प्रकार से चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, हम डायरेक्टली चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आइएगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा भैया लोग क्या होगा, होगा 1/2 और इसके बाद होगा ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस x2 y1 इतना हो गया प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस होगा क्या x3 y4 माइनस x4 y3 उसके बाद पुनः प्लस और हो जाएगा x4 y1 माइनस x1 y4। ये भैया हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका ध्यान दीजिए। ये हमारे पास जो सिंबल हैं उस डिटर्मिनेंट सारणी के सिंबल हैं, आप जा करके क्लास ठीक है ना अगली कक्षाओं में मतलब 12 में जाकर के इस चीज़ को पढ़ेंगे ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा कुछ दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है, बस याद करना है। थोड़ा सा वो आइडिया आपको हम बता दे रहे हैं कैसे याद किया जाएगा। यहाँ से क्या करिए, x1 लिखिए, x2 लिखिए, x3 लिखिए, x4 लिख दीजिए और इसके बाद x1 लिख दीजिए, यहाँ से y1 लिख दीजिए, y2 लिख दीजिए, y3 y4 कर दीजिए, फिर y1 कर दीजिए। अब क्या करना है, घमासान करना है x1 का y2 के साथ, चाहे x1 का y2 के साथ कहिए चाहे y2 को x1 के साथ। तो x1 y2 है, फिर उसके बाद x2 y1 होगा। अब बीच में क्या लगा देंगे भैया, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव लगाएंगे। फिर x2 का करेंगे y3 के साथ और फिर क्या करेंगे x3 का y2 के साथ, इसके बाद क्या करेंगे x3 का y4 के साथ और उसके बाद x4 का y3 के साथ और फिर उसके बाद क्या करेंगे x4 का y1 के साथ और फिर x1 का किसके साथ करेंगे y4 के साथ करेंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 ब्रेकेट तैयार हुए, x1 x2 x3 x4 ठीक है ना, y2 y3 y4 y1 एकांतर क्रम में, एक साइकिल प्रोसेस है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप करिए और बाय ट्रिकी इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो ये दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि बार बार हम इन्हीं का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को नोट करिए, फिर चलते हैं प्रश्नावली में। ध्यान दीजिएगा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कार्य त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल जिनके शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन है 2, -1, -0, -4। अगर फिगर भी ड्रा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस चुपचाप एक काम कर लीजिए इसको ठीक है ना। ए बी सी मान लीजिए, ये सपोज करिए ए का कोऑर्डिनेट है, ये बी का है, ये सी का है, और नामकरण कर दीजिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये कितना हो गया भैया y4 हो गया। तो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र लिख दीजिए चुपचाप, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है भैया, ये हमारा बंदूक हो गया और ये हमारे गोली हो गए, हमको क्या करना उसमें भरना है और रिजल्ट मतलब दागना है। इसका अगर दूसरे भाषा में कहें, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो आइए 1/2 x1 का मतलब 2, y2 का मतलब 0, y3 का मतलब कितना आपके पास -4। -4 है। तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y3 ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
प्लस एक्स टू का वैल्यू कितना है, माइनस वन है, तो ये प्लस ये माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। y3 कितना है, माइनस फोर है, y1 कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, x3 कितना है, टू है, y1 कितना है, थ्री है, y2 कितना है, जीरो है, और बड़ा ब्रेकेट हमने क्या कर दिया भैया, क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा वन बाई टू, चार दूनी कितना हो जाएगा, थोड़ा सा जब सॉल्व कर लेते हैं, जीरो में फोर ऐड कर देंगे तो फोर होगा, माइनस वन, माइनस फोर, माइनस थ्री कितना होगा, माइनस सेवन हो जाएगा, टू थ्री हो जाएगा, बड़ा ब्रेकेट क्लोज, हाफ, चार दूनी आठ, माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी छः हो गया। इसके बाद में एक बटा दो, ठीक है ना, आठ सात पंद्रह छः इक्कीस, इस प्रकार से इक्कीस बटा टू क्षेत्रफल है इसका, मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई, नोट करिएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। सेकंड का जो है आप कुछ नहीं करके बस हमको फॉलो करेंगे और लगाएंगे, इसका आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं भैया, इसका आंसर आ रहा है कितना, 32 वर्ग मात्रक, ठीक है ना, इसका जो आंसर आ रहा है 32 वर्ग मात्रक आ रहा है, नोट कर लीजिएगा और लगाइएगा। एक बार में नहीं आता है, दूसरे बार में तो आएगा ना, सूत्र याद करिएगा, सूत्र सही से रखिएगा, वैल्यू को सही से रखिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एट लास्ट आई होप यू गेट 32 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। हाँ, जिसके पास बुक नहीं होगा भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मोबाइल के प्ले स्टोर से जाइए और वहाँ से बुक को डाउनलोड करिए, आपको जो बुक चाहिए वो आपकी एक लाइब्रेरी है, आपके मोबाइल में तुरंत इंस्टॉल होगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू का निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित हों, और आप जानते हैं कि तीन आस, जैसे कहने का मतलब जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो कोई कह दे भैया इन तीन बिंदुओं से आप त्रिभुज बनाइए, तो बना पाएंगे त्रिभुज, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज तब बनेगा जब वो तीनों बिंदु असंरेख हो, मतलब एक ही रेखा पर स्थित ना हो। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ हो जाए, एक बिंदु यहाँ हो जाए, त्रिभुज आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि इन तीन बिंदुओं से मिला करके एक त्रिभुज बनाइए, तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं, और जब तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे तो संरेखी होंगे, संरेखी होंगे त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, अर्थात जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। मतलब क्या है भैया, कि जब तीन बिंदु असंरेख होंगे तब तो त्रिभुज बनेगा ना, और जब तीन बिंदु एक रेखा पर होंगे तो कभी त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो कोई एरिया कवर नहीं करेगा, जब एरिया नहीं कवर करेगा अर्थात उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, शून्य होगा। तो याद रखे रहिएगा कि संरेख जब होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, शून्य होगा। तो आइएगा, इसे आप एक्स वन मान लीजिए, इसे आप एक्स टू मान लीजिए, इसे आप x3 मान लीजिए, इसे आप x1 y1, और इसे आप x2 मान लीजिए, इसे आप y2 मान लीजिए, इसे आप x3 मान लीजिए, और इसे आप क्या मान लीजिए, y3 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। अतः एक बटा दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू इक्वल जीरो, हाफ है उधर जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा, तब भी वो जीरो हो जाएगा। अब आइए सभी वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स वन कितना आपके पास है, सेवन, वाई टू कितना आपके पास है, वन, वाई थ्री कितना आपके पास है, के, प्लस एक्स टू कितना आपके पास है, फाइव, वाई थ्री कितना है, के, वाई वन कितना है, माइनस टू, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस,
x3 कितना होगा 3, y1 कितना होगा -2, y2 कितना होगा +1, इक्वल कितना भैया 0 है, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। अब थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, इसको हो जाएगा आपके पास क्या 7 × 7 हो जाएगा, -7 +5 5 × 2 = 10, ठीक है ना। और यहाँ एक काम करते हैं, y2 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का वैल्यू कितना है 1 है, एक मिनट, y1 - y2, y1 आपके पास कितना है -2 है, y1 कितना आपके पास, सॉरी y2 कितना आपके पास 1 है, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा यहाँ -1 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा +3 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा विथ निगेटिव, तो ±- होगा और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 = 0, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 7 + 10 कितना हो गया 17, 10 × 7 = 17 और -9, 7 × 5 गया -2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा यहाँ से 8 - 2 = 0, तो ये -2 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया +2 हो जाएगा, तो 2 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों इस प्रकार से k बराबर हमें कितना मिला 4 मिला। अब ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर पर, ठीक है ना, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, मुझे पता है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, के वैल्यू को 4 रख दीजिए, जहाँ के है आपका वहाँ 4 रख दीजिए और आप इसका निकालेंगे जब एरिया, तो उस कंडीशन में उसका एरिया कितना मिलेगा मुझे 0 मिलेगा, और जब 0 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि भैया संरेख होंगे। बात समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी लगेगा जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 लगा था, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि शीर्षों, ठीक है ना, 0, -1, 3 शीर्ष हैं, जिसके 3 शीर्ष मान लेते हैं ए बी और सी हैं, जिनके निर्देशांक 0, -1, 2, 1 और कितना 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले केस फर्स्ट फॉलो करेंगे, वो क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या है, सबसे पहला चीज, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का, ठीक है ना, नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। यहाँ से क्या है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक दे दिया गया है 0, -1, 2, 1 और कितना है 0, 3। अब हमें क्या करना है, इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं त्रिभुज ए बी, जो भुजा ए बी है उसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं भैया कितना है P है। इसके बाद भुजा बी सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं Q है, भुजा सी ए का मध्य बिंदु मान लेते हैं कितना है R है। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, हमारे पास एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। हमें इसी त्रिभुज पी क्यू आर की क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल तब निकाल पाएंगे जब आप त्रिभुज के तीनों शीर्षों पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात कर ले जाएंगे। अब त्रिभुज के शीर्षों पी क्यू आर का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो भुजा ए बी है उसका मध्य बिंदु पी है, जो भुजा बी सी उसका मध्य बिंदु क्यू है, जो भुजा सी ए उसका मध्य बिंदु आर है। इस तथ्य को हम किस आधार पर कह रहे हैं, इस तथ्य का आधार है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कह रहा है। तो आइएगा सबसे पहला चीज क्या होगा, हम क्या करते हैं बिंदुओं पी क्यू आर का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो आइएगा, चूंकि भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है, अतः बिंदु पी का निर्देशांक
कितना हो जाएगा। आइएगा यहाँ से होगा आपका फार्मूला होता है x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। यहाँ से क्या होगा x बराबर एक्स वन, इसे आप एक्स वन मान लीजिए, वाई वन मान लीजिए, एक्स टू मान लीजिए, वाई टू मान लीजिए। अच्छा एक्स वन का मान कितना है, जीरो है, एक्स टू का मान कितना है, टू है, और फिर टू से डिवाइड भी है। तो इस प्रकार से भैया लोग आप पा गए एक्स इक्वल टू में टू का डिवाइड करेंगे वन पा गए, तो एक्स बराबर कितना मिल गया, वन मिला। इसी प्रकार से y इक्वल y1 प्लस y2 बाई कितना हो जाएगा, 2, और y इक्वल y1 का मान कितना है, माइनस वन, y2 का मान कितना है, प्लस वन बाई टू, हल करेंगे तो y इक्वल जीरो मिलेगा। अतः बिंदु P का निर्देशांक आपको मिला 1,0 मिला। तो आइएगा यहां से बिंदु P का निर्देशांक 1,0 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी प्रकार भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, अतः बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक निकाल लिया जाए, Q का निर्देशांक तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया लोग, ये हो जाएगा आपके पास x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ से क्या होगा, बिंदु Q का निर्देशांक x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो यहाँ से होगा x बराबर एक्स वन कितना आपके पास है, दो है, x2 कितना आपके पास है, x2 आपके पास जीरो है, बाई टू है, टू में जीरो ऐड करेंगे तो टू होगा, टू में टू का डिवाइड करेंगे तो वन होगा, x इक्वल वन मिल गया। इसके बाद y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू, दिस एम्प्लाइज y इक्वल y1 हमारे पास है 1 और y2 हमारे पास कितना है, 3 बाई टू, दिस एम्प्लाइज y इक्वल 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से जो q का निर्देशांक हमें मिला वो 1, कितना मिला, 2 मिला। तो आइए यहाँ से 1, 2 हो गया। अब भैया इसके बाद क्या करेंगे, r का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो आइएगा r का निर्देशांक, तो r भी क्या होगा भैया, भुजा AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से एक बार नामकरण पुनः चेंज कर देते हैं, x1 y1 और ये हमारे हो जाएंगे क्या, x2 y2 हो गया। तो आइएगा यहाँ से क्या होगा, x बराबर क्या होता है फार्मूला मध्य बिंदु का, x बराबर x1 प्लस x2 बाई टू, दिस एम्प्लाइज x बराबर x1 कितना आपके पास है, x1 जीरो है, x2 कितना आपके पास है, x2 भी जीरो है, बाई टू, हल करेंगे तो x इक्वल कितना मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। और इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई टू, दिस एम्प्लाइज y इक्वल, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा भैया, y इक्वल y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है माइनस वन, तो प्लस माइनस झगड़ा करेंगे कौन जीतेगा, माइनस बाई टू, 3 में 1 ठीक है ना हटा देंगे, घटा देंगे 2 बचेगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 होगा। इस प्रकार से y इक्वल आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपने r का भी निर्देशांक 0, कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया, मतलब r का जहाँ होगा वहाँ उसका निर्देशांक 0,1। तो बच्चा लोग हमने क्या किया कि P, Q, R शीर्षों के निर्देशांक निकाल ले गए हैं। अब बारी आती है उस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालने का, तो इतना नोट कर लीजिएगा बहू। अब चलते हैं ठीक है ना, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, आइएगा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, लिख लिया जाए सुंदर सुंदर, 1 बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, बड़ा ब्रेकेट क्लोज हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक एक करके वैल्यू ठीक है ना, यहाँ से क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसे मान लेते हैं x1, इसे y1,
इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3। हालांकि आप किसी को भी मानिए फ्री हैं, उसके लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना, इससे थोड़ा सा मान मान रखने में आसानी होती है। तो आइए भैया चला जाए। हाफ x1 कितना है आपके पास, x1 है 1, y2 कितना है, y2 आपके पास है 2, और y3 कितना आपके पास है, y3 आपके पास है 1, प्लस x2 कितना आपके पास है, x2 आपके पास है 1, y3 कितना आपके पास है 1 है, y1 कितना आपके पास है 0 है, प्लस x3 कितना आपके पास है 0 है। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका ब्रेकेट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आइएगा सॉल्व कर लिया जाए इसको। हाफ 1, दो में से एक गया 1, 1, 1, फिर उसके बाद में 0। हल करेंगे हाफ 1, 1, 1, 1, 2, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1 ही मिलेगा, मतलब एक वर्ग मात्रक। इसको नोट करिएगा, फिर चलते हैं उत्तर की मिलान कर लिया जाए। उत्तर मैच कर रहा है, ठीक है ना, आपके आंसर से। अब इसके बाद क्या चलते हैं, अगला जो स्टेप कह रहा है कि हमें क्या करना, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज, मतलब इस क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर का, उसका एरिया तो निकाल लिया। अब त्रिकारा दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज क्या है, ए बी सी, उसी का क्षेत्रफल निकाल करके उसका रेशियो लेना है, बस और कुछ करना नहीं है। नोट करिएगा, फिर चलते हैं अगला स्टेप। अब चलते हैं हम लोग इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी का भी निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिटा करके कुछ न्यू कर लिया जाए। आइएगा ध्यान दीजिएगा भैया, हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स वन होगा वाई वन मान लिए, फिर एक्स टू होगा वाई टू होगा, उसके बाद एक्स थ्री होगा वाई थ्री होगा। थोड़ा सा इससे क्या होता है भैया ना, मान मान रखने में बहुत मुझे मज़ा आ जाता है, ठीक है ना, गलतियाँ होने के मौके नहीं होंगे अगर ऐसा करते हैं तो, नहीं तो कहीं मान मान रखने में त्रुटि होगी तो वही होगा कि आंसर मैच नहीं करेगा। अब आइए सारे वैल्यू को पुट कर दिया जाए। वन बाई टू एक्स वन, एक्स वन कितना है 0, जब एक्स वन 0 है तो ब्रेकेट में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स टू कितना है 2, y3 कितना है, y3 आपके पास है माइनस 1, और y1 कितना आपके पास है, सॉरी y3 आपके पास 3 है, y3 कितना है देखिए, y3 3 है तो 3 हो गया, और उसके बाद y1 कितना है माइनस, माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x3 कितना आपके पास है, x3 आपके पास 0 है, और फिर अंदर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब सॉल्व कर लिया जाए। हाफ 0 3 और एक 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 1/2 8 बराबर कितना हो गया 4 वर्ग मात्रक। अब भैया कंपेयरिंग करना है मुझे। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस त्रिभुज पी क्यू आर बटे त्रिभुज ए बी सी, भैया एक आया था इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमने निकाला 4, इस प्रकार से इसका रेशियो आप लोगों ने निकाल लिया, 1 संबंधी कितना होगा आपका 4 होगा। चलिए भैया नोट कर लीजिएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा भैया सही कर दो, ब्राइटनेस बढ़ा दो, काहे छेड़खानी कर रहे हो उसके साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी पहली बार जब मतलब स्टार्टिंग हुआ था इस वीडियो का, तो हमने बताया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम लोग एक बार पुनः फार्मूले को लिख लेते हैं। जैसे हमने बताया चतुर्भुज 4 शीर्ष होंगे, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे तो उसके निर्देशांक ए बी सी डी, ये 4 शीर्ष हो गए। अब इनके निर्देशांकों को लिख दिया जाए, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, ये हो गया।
अब हमने बताया था आप लोगों को कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए सूत्र होता है, हम बताए थे क्या, हाफ। अब मान लेते हैं आप भूल गए, तो क्या करिएगा, यहाँ से एक साड़ी के जैसा, ठीक है ना, मतलब दो स्तंभ बना लीजिएगा। इन दोनों स्तंभों में बारी बारी से एक्स वन, वाई टू, एक्स थ्री, ठीक है ना, एक्स फोर, और जहाँ से शुरू हुआ था उसको लिख लीजिए। इसके बाद क्या करिएगा आप लोग, यहाँ से भी वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर और वाई वन कर दीजिएगा। एक्स वन का वाई टू के साथ घमासान करिए तो लिख दीजिएगा ब्रेकेट में एक्स वन वाई टू। और इसके बाद क्या करिएगा, वाई टू का, सॉरी ये एक्स टू रहेगा, एक्स टू का वाई वन के साथ एक्स टू वाई वन हो गया। इसके बाद लगा दीजिए प्लस। अब क्या करेंगे, एक्स टू का, ठीक है ना, एक्स टू का वाई थ्री के साथ कर दीजिए, एक्स टू वाई थ्री हो गया, माइनस कर दीजिए, एक्स थ्री का वाई टू के साथ कर दीजिए तो एक्स थ्री वाई टू हो गया, प्लस लग गया। फिर उसके बाद एक्स थ्री का वाई फोर के साथ कर दीजिए, एक्स थ्री वाई फोर हो गया। इसके बाद में एक्स फोर का वाई थ्री के साथ कर लीजिए, एक्स फोर वाई थ्री हो गया, प्लस लगा दिया गया। एक्स फोर का वाई वन के साथ कर लीजिए, प्लस एक्स फोर वाई वन। फिर उसके बाद एक्स वन का वाई फोर के साथ एक्स वन वाई फोर। इस प्रकार से हमारा फार्मूला क्या हो गया भैया, ड्राइव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है यहाँ से कि देखिए एक अल्टीनेट हो रहा है, एक्स वन एक्स टू, एक्स टू एक्स थ्री, एक्स थ्री एक्स फोर, एक्स फोर एक्स वन। इसी प्रकार से एक्स वन के साथ वाई टू, एक कदम आगे फिर एक कदम पीछे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि कैसे इस चीज़ को याद किया जाए। बाय द वे आप क्या करिएगा, इसके सहायता से इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या क्या फार्मूला ड्राइव कर लिया, अब यहाँ से क्या होगा, एक्स वन हो गया वाई वन हो गया, एक्स टू हो गया वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है ना, और उसके बाद एक्स फोर वाई फोर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करिएगा और आप इसको स्वयं लगाएंगे, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कितना आ रहा भैया। आंसर नोट कर लीजिएगा, 28 वर्ग मात्रक आ रहा है भैया। कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं, कुछ आप भी करिए, हम तो आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आप ही को है ना। टीचर एक टार्च होता है, टार्च आपको चलाता नहीं है बल्कि आपको रास्ता दिखाता है और आप स्वयं चलते हैं। तो इसी प्रकार से इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, फार्मूले को सारे वैल्यू पुट करिएगा और आप क्या करेंगे, 28 मात्रक इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि, कहाँ पढ़ा, अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये आपने पढ़ा 9th में। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, मतलब उस स्टेटमेंट को आपको दिखाना है कि भैया सही है। तो आइए सबसे पहले चीज़, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, हमारे पास ये एक त्रिभुज है, इसका नामकरण कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। इस त्रिभुज का नामकरण अगर करेंगे तो A, B और ये कितना है C, इसके निर्देशांक 4, -6, इसका है 3, -2 और इसका है 5, 2। इतना समझ में आया ना। अब माध्यिका की बात अगर है तो त्रिभुज के 3 माध्यिका होते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज के 3 माध्यिका, शीर्ष से इस भुजा पर खींची गई रेखा। अब क्या है कि हमने एक माध्यिका खींचा, ठीक है ना, 3 से हमें मतलब नहीं है, किसी एक माध्यिका से। अब ये माध्यिका त्रिभुज को कहीं ना कहीं दो भागों में बांट रही है, त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है, तो ये दिखाना है कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। ये चीज़ मुझे प्रूव करना है और इस चीज़ को हम प्रूव किए होंगे कक्षा 9th में, बट यहाँ कोऑर्डिनेट से करना है और वहाँ हम थ्योरम के माध्यम से किए थे। अब यहाँ से क्या है,
कि ये जो पॉइंट पी होगा इसका कोऑर्डिनेट अब ये बी सी का मध्य बिंदु होगा, तो तीन में पांच जोड़ दोगे तो कितना होगा आठ, आठ में दो का भाग दोगे हो जाएगा फोर। कैसे हो, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2 बाई टू, तो तीन धन पांच आठ, आठ में दुई के भाग देंगे तो हो जाएगा चार। अब माइनस टू प्लस टू ऐड करेंगे तो हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया। हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी या ए सी पी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक एक करके निकाल लेते हैं। पहला नंबर सूत्र पता होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है ना, किसी त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रिंगल हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये हो गया। इतना तो समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालना है ट्रिंगल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी का, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक का नाम कर दे रहे हैं x1 और एक का नाम कर दे रहे हैं y1, इसका नाम कर दे रहे हैं x2, इसका नाम y2, इसका नाम x3 और इसका नाम कर दे रहे हैं भैया y3। इतना समझ में आ गया, हमें कुछ नहीं करना है, एक एक करके वैल्यू को पुट करना है। आइए कर लिया जाए। हाफ x1 कितना है, x1 है 4, y2 कितना है माइनस 2, y3 कितना है जीरो है प्लस, x2 कितना है, x2 आपके पास 3 है, y3 कितना है जीरो है, y1 कितना है माइनस 6, तो कितना हो जाएगा प्लस 6, x3 कितना है, x3 आपके पास 4 है, y1 कितना है माइनस 6 है, y2 कितना है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हाफ और 4 हल करेंगे, माइनस टू प्लस थ्री सिक्स और इसके बाद में फोर माइनस फोर, बड़ा ब्रेकेट क्लोज कर दिए। कुछ कर नहीं रहे, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। चार दुनी आठ, छः त्रिक अट्ठारह, चार चौके सोलह, एक बटा दो अट्ठारह, चौदह और उसके बाद में चौदह अट्ठारह चार सॉरी चौदह छः बीस दो बाईस, माइनस बाईस हो गया। हल करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया थोड़ा सा गलती है, चार चौके कितना होता है सोलह होता है, यहाँ सोलह कर लीजिएगा भैया। अब इसको सॉल्व करिएगा, सोलह चार बीस चार चौबीस हो जाएगा, माइनस चौबीस प्लस अट्ठारह छः बचेगा, हाफ माइनस छः दो तीन छः माइनस तीन, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है इसलिए इस चिन्ह को क्या कर देते हैं पॉजिटिव कर देते हैं। तीन वर्ग इकाई, आगे का कार्य आप करेंगे। इसी प्रकार से आप त्रिभुज, ठीक है ना, हमने ए बी पी निकाला, आप लोग त्रिभुज ए सी पी निकालेंगे। सेवरली है आपको कितना मिलेगा, थ्री ही मिलेगा। अगर आपको थ्री ही मिलेगा तो इस कंडीशन में दोनों एरिया इक्वल हो गया, अर्थात वो स्टेटमेंट हमने क्या दिखा दिया, सही दिखा दिया, मैंने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पूरा पूरा ख़त्म कर दिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों वो समांतर श्रेणी का होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी चीज़ की कोई समस्या होगी समझने में, हमारे समझाने में या आवाज़ में या किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम देखेंगे वो अपने अंदर की कमी को हम दूर कर लेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।